नमस्कार। हमारा आज का विषय है संस्कृत में संख्या ज्ञान, जिसके अंतर्गत हम एक से सौ तक संख्याएं लिखना और बोलना सीखेंगे। बच्चे रट्टा लगाते हैं बिना समझे, लेकिन आज मैं इस तरह से सिखाऊंगी कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी और लिखने में भी अशुद्धियां नहीं होंगी। तो आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले एक, दो को कहते हैं द्वि, तीन को कहते हैं त्रि, चार की संस्कृत चतुर, एक से लेकर चार तक तीनों लिंगों में रूप बनते हैं और चलते हैं, जो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। अभी हम मूल संख्या सीख रहे हैं, इसको हम एकह, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम भी लिख सकते हैं। इसी तरह से दो को मूल शब्द है द्वि, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे बनता है। त्रि का पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणी भी बनता है। चतुर का चत्वारः, चतस्रः और चत्वारी बनते हैं। चार से आगे तीनों लिंगों में समान चलेंगे, पंच, पंच पंच, षट षट, षट वगैरह। छह को कहते हैं षट, सात की संस्कृत सप्त, आठ की संस्कृत होती है अष्ट, नौ की संस्कृत है नव और दस को संस्कृत में कहते हैं दश। एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। अब आते हैं ग्यारह। एक और दस मिलाकर बना एकादश। दस की संस्कृत दश और एक, दस और एक ग्यारह, एकादश। बारह के लिए द्वा और जोड़ा हमने दश, बारह, दो पहले जोड़ा तीन, त्रयोदश। फोर्टीन, चतुर्दश। इसमें जो र है वो द के ऊपर लगाना है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, त के ऊपर र लगाते हैं तो वो चतुर्दश बन जाता है, द पे लगाएंगे चतुर्दश। फिफ्टीन, पंद्रह, पंच, दश, बहुत सिंपल है, पांच और दस। लेकिन सोलह को ध्यान से करना है, षडश नहीं करना, षोडश। सोलह की संस्कृत ध्यान से षोडश। फिर सिंपल, सात लिखा, दश लिख दिया, सप्तदश। एटीन, अष्टादश, अष्ट नहीं करना यहाँ, अष्टादश। नाइनटीन, नौ, दस, नव दश और इसको हम एकोन विंशति ये भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है इस एकोन विंशति का? एकोन का मतलब होता है एक, ऊन, ऊन मीन्स कम, एक कम बीस यानी उन्नीस और बीस की संस्कृत है विंशति। बीस में से एक कम, एकोन विंशति ही, नाइनटीन, उन्नीस, दश, विंशति। अब आते हैं 21। एक लिया वापस, एक, विंशति ही। 20 की पूरी लाइन में हमें विसर्ग लगानी है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक विंशति, फिर द्वा या द्विविंशति ही, दोनों बनते हैं द्वाविंशति ही। 23, त्रयोविंशति, त्रयोविंशति। इस अनुस्वार का भी ध्यान रखना है, बच्चे प्रायः ये श के ऊपर बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार श के ऊपर लगाते हैं और गलत ही उच्चारण करते हैं। मोस्टली बच्चे विशंति बोलते हैं, विशंति नहीं बोलना, वी के ऊपर अनुस्वार लगेगा, श खाली है, विंशति, विंशति, ध्यान रखना है इन चीजों का। चतुर, र गया वी के पीछे और अनुस्वार भी वही, चतुर विंशति है। 25, सिंपल, पंचविंशति है, विसर्ग लगेंगी विंशति ही पे। 26, षडविंशति ही, ट को ड में कन्वर्ट कर दिया हमने क्योंकि सामने व था। सप्तविंशति ही,
अष्ट या अष्टाविंशति ही दोनों बनते हैं, अष्टविंशति ही, 29, फिर से नवविंशति ही, और या 30 से एक कम, यानी एकोन त्रिंशत, एक कम 30, 30 की संस्कृत है त्रिंशत। त्रि के ऊपर अनुस्वार लगेगा, श खाली, त्रिंशत, दश, विंशति, त्रिंशत, 31, एक त्रिंशत, हलंत करेंगे इनको, 32, द्वित्रिंशत या द्वात्रिंशत, दोनों चलते हैं। अब ध्यान से देखना है, त्रय और जो विसर्ग थी उसको हम स बनाएंगे, त्रयस त्रिंशत, त्रिंशत में जो त है उसको देखते हुए विसर्ग को स बना है, दंत्य स, त्रयस त्रिंशत, इस शब्द को ध्यान से। ऐसे ही 34, चतुस्त्रिंशत, स बनाया हमने आधा, चतुस्त्रिंशत। इस 30 की लाइन में ये दो शब्द ही ध्यान से देखने के हैं। 35, पंचत्रिंशत, सिंपल रहेंगे अब सब, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, आठ अष्टत्रिंशत, 39, नवत्रिंशत, और या फिर एकोन चत्वारिंशत, एक कम 40, 40 की संस्कृत है चत्वारिंशत, और 40 चत्वारिंशत। दश, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत, 41, फोर्टी वन, एक चत्वारिंशत, 43 की तरह चत्वारिंशत का तभी हलंत रहेगा, द्विचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत भी बनता है, त्रिचत्वारिंशत, त्रि और त्रयश चत्वारिंशत। जैसे मैंने 33 में बताया था, त्रयश यहां च को देखते हुए विसर्ग का श बनेगा, तालव्य श, त्रयश चत्वारिंशत, दोनों बनते हैं, 43, 44, चतुश्चत्वारिंशत, फिर से वही श बना, री के ऊपर अनुस्वार आएगा, चतुश्चत्वारिंशत, 45, पंच चत्वारिंशत, सिंपल है, 46, षट चत्वारिंशत, 47, सप्त पहले, सप्त चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट या अष्टा दोनों बनते हैं, अष्ट चत्वारिंशत, और नव चत्वारिंशत, या फिर एकोन पंचाशत, एक कम 50, एकोन पंचाशत। एक कम 50, और 50 की संस्कृत पंचाशत, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, सब में तो हलंत रहेंगे, एक पंचाशत, द्वि पंचाशत, त्रि पंचाशत, चतुः पंचाशत,
पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत और 60 की संस्कृत है षष्टि। सिंपल था इसलिए मैंने नहीं लिखा। एक पंचाशत, द्वि पंचाशत, त्रि पंचाशत, चतुः पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत या एकोन षष्टि। 60 है षष्टि। एक षष्टि, द्वि षष्टि, त्रि षष्टि, चतुष्षष्टि। 64 थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। चतुष डबल श हो गया, चतुष्षष्टि विसर्ग लगेंगी, श षटकोण वाला ये वाला मूर्धन्य श बन जाएगा। चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि या एकोन सप्तति। और 70 की संस्कृत है सप्तति, सत्तर सप्तति। एक सप्तति, द्वि सप्तति, त्रि सप्तति, चतुस्सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति और या फिर एकोन अशीति। एकोन अशीति अब है 80 की संस्कृत। इसको हम पूरा लिखेंगे अशीति को। 80 के बाद वाली संख्या बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है, क्योंकि 80, एक और अशीति हमें लिखना है। एक 80, 81, एक में अ है और अशीति में अ है, तो हमें यहाँ दीर्घ संधि करनी है। एकाशीति, इसको जोड़ देना है, संधि करके लिखना है। एकाशीति, 82, द्वि और अशीति की संधि करेंगे हम, ई को यण संधि बनाएंगे, लिखेंगे द्वयशीति, ऐसे कर सकते हो द्वयशीति। ऐसे ही त्रि के साथ यण संधि होगी त्रयशीति। 84, चतुर में र हलंत है इसलिए र पूरा हो गया चतुरशीति। 84, 85, पंच में च पूरा है तो आ की मात्रा बन गई, दीर्घ संधि हो गई पंचाशीति। 86, षट ट हलंत है, उस सामने स्वर होने के कारण उस ट को ड हो जाएगा जशत्व संधि, तो षड का ट बना, ट का ड बना और आ की मात्रा लगी षडाशीति। ये 80 की लाइन बहुत ध्यान से याद करनी है। सप्त त पूरा है तो आ बना सप्ताशीति। 88, अष्ट में ट पूरा होता है अष्टाशीति। 89, नवाशीति या एकोन नवति, और 90 की संस्कृत होती है नवति, 90। फिर आगे सिंपल, एक नवति, द्वि नवति, त्रि नवति, चतुर नवति, पंच नवति और 96 को ध्यान से देखना है षण्णवति। ट में सामने न होते हुए उस न को अण बन गया, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण ट ठ ड ढ अण, उसका भी अण बना और नवति वाले न को भी अण किया, इसलिए बना षण्णवति। सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति और 100 की संस्कृत है शतम। 100 को कहते हैं शतम। एक बार फिर से थोड़ा दस को कहते हैं दश, 20 की संस्कृत विंशति, 30 की संस्कृत त्रिंशत, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत, 50 पंचाशत,
साठ षष्ठी, सत्तर सप्तति, अस्सी अशीति, नब्बे नवति, सौ शतम, एक हजार सहस्रम, दस हजार अयुतम, दस हजार को कहते हैं अयुतम, एक लाख पांच बिंदु लक्षम, एक करोड़ कोटि, एक अरब अर्बुदम और एक खरब खरबुदम। एक खरब खरबुदम। धन्यवाद।